शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत तड़ीपार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शहर में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। इन पर लगाम कसने के लिए शहर के पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय द्वारा शहर में क्रैकडाउन की शुरुआत की गई, जिसके चलते शहर के सभी थानों और क्राइम ब्रांच को अपने परिसर के अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील परिसर में तड़ीपार आरोपी मोहम्मद इस्ताक उर्फ बाबा वल्त, मोहम्मद इस्माइल तहसील पुलिस थाना परिसर के भारत माता चौक परिसर में पुलिस को गश्त के दौरान दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत धर दबोचा है। सर, तहसील थाना अंदर एक तड़ीपार आरोपी पकड़ण्यात आला आहे, नेमकी काय माहिती आहे, कोणत्या आरोप मध्ये हा तड़ीपार होता, काय सांगाल? आपल्याला माहित आहे की नुकतेच माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय सरांनी शहरातील सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना आदेश दिले की ऑपरेशन क्रॅकडाऊन सुरू करा, आणि ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत आपापल्या हातीतील गुन्हेगार तळीपार या इसमांना चेक करा। ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत काल दिनांक 7/6/2020 रोजी सायंकाळच्या सुमारास आमच्या नेतृत्वाखाली हेड कॉन्स्टेबल समीर आणि त्यांची पार्टी पेट्रोलिंग करत असताना भारत माता चौकाजवळ आपल्या पोलीस स्टेशनमधून हद्दीपार झालेला, ज्याला 2 वर्षाकरता हद्दपार केलेला आहे, तो मोहम्मद इस्ताक उर्फ बाबा वल्द मोहम्मद इस्माईल राणा भानखेडा पिवळी शाळेजवळ याला नागपूर शहरातून आणि नागपूर जिल्ह्यातून 2 वर्षाकरता हद्दपार केलेला आहे। तरी सुद्धा तो मिळून आला, त्याच्यामुळे त्याला ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावर पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे आणि त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। मोहम्मद इस्ताक उर्फ बाबा वल्द मोहम्मद इस्माईल याच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशन तहसील अंतर्गत गंभीर दुखापतीचे, हत्याचा प्रयत्न आणि घरपोडी चोरीसारखे अनेक गुन्हे दाखल आहेत आणि त्या गुन्हेगारीविरुद्ध आळा बसावा म्हणूनच त्याला हद्दपार करण्यात आले होते, पण हद्दपार असताना सुद्धा तो आज काल आम्हाला मिळाल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। आय दिनो शहर में हत्याओं का सत्र शुरू था। इन पर रोक लगाने के हेतु से शहर में ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया, जिसके चलते अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।